गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मेरा काम ना ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट बन चुका है सबके लिए। अब जा रही हूँ डायरेक्टली नहाने क्योंकि आज है सावन का फर्स्ट सोमवार, तो सोचा कि सुबह उठ जाऊँ। तो मैं 5 बजे उठ गई थी कि अब जल्दी जल्दी काम निपटा के मंदिर जाऊँगी क्योंकि हस्बैंड को भी साथ में लेके जाऊँगी, और 9 बजे से पहले पहले कि मंदिर से होके आ जाएंगे क्योंकि फिर 9 बजे के बाद उन्होंने चले जाना है ड्यूटी। तो बारिश सुबह से हो ही जा रही है, तो मौसम का ना कुछ भरोसा ही नहीं है। उठ गया, अब उसको खिलाते हैं, तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, फिर वहीं से हम भी मंदिर जाएंगे। माँ ही तो नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो रही, थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाना है उसको, तो वो नहीं गई। उसकी वजह से मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। तो जैसे सो के उठी तो देखा उसके यहाँ पीछे ना कुछ बन रही, इतनी खुशी सी, तो दिखाने जाऊँगी। परसों से बन रही लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बन रही, दर्द हो रहा है उसको। तो मैं नहा के आ गई हूँ, विवान को भी नहला दिया है, तो बस 8 बज गए हो देखो। लेकिन बाहर मौसम ऐसे हो रहा है जैसे सुबह के बज रहे होंगे 4, अंधेरा से हो गया, बहुत बारिश हो गई, तो वही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि बीबू को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ। अंधेरा, और इसको मैंने नहला दिया था और फिर मैं नहाने चली गई थी, तो ये नहा तो गया, बोला रहने दो मैं नहीं जा रहा स्कूल। नहीं जाएगा, वो बच्चे छोड़ के आए हैं ना, तो देखते हैं अभी 5 मिनट और है। और भारी इतनी मोटी बारिश हो रही है, बीबू भी तैयार कर रखा, लेकिन टाइम 8:30 बज चुके हैं, लेकिन उसका 8 बजे का स्कूल है, तो सोच रहे हैं उसको भेजें नहीं भेजें। और हस्बैंड को भी आज सुबह नहला दिया मंदिर जाने के लिए, तो अभी देखते हैं 5 मिनट रुक के, नहीं तो फिर ऐसी बारिश में चले जाएंगे। तुम लोगों को पता है जब तुम सो रखे थे बेडशीट मैंने तब भी खींच ली थी क्योंकि मैंने आज बेडशीट भी धुल ली। और इसका स्कूल जाना हो गया कैंसिल, हस्बैंड भी नहा दोगे बिल्कुल रेडी हो गए, अब हम इंतजार करें। और बाहर और ज़्यादा बारिश और तेज़ बारिश हो गई है रे। स्कूल चलना है कि नहीं? वो नहीं गए तो ये भी नहीं जा रहा बारिश है, वो आज पूरे दिन भर के हस्बैंड कह रहे चलिए कोई बात नहीं भीग जाएंगे, वो भी बिल्कुल तैयार हो गए क्योंकि फिर उनको भी जाना है ना ड्यूटी, 9 बजे से पहले पहले ये है कि आ जाना हमें, तो चल चलते हैं इसी बारिश। ये देखो भाई बहुत खतरनाक बारिश आ रहा है ना, पर क्या है श्रद्धा में बिल्कुल भी कमी नहीं है। देखो बाहर रोड़े पूरी ना भरी पड़ी है। देखो यहाँ पूरी नदियाँ जा रही हैं, फिर भी भाई लोग तो आ ही रहे हैं लगभग। जाओगे अरे इतने बरसात में पता है इतनी बारिश नहीं, अरे रे रे रे। देखना भीग के मजा आ रहा है, कोई बात नहीं भगवान जी के लिए थोड़ा बहुत देख रहे हो। यहाँ चलें घर, चलो चलते हैं फिर, इनको भी जाना है ऑफिस। गाइस मम्मी पूरा भीग के आ चुकी है, जबकि मम्मी लोग रुकी थी आधा नहीं 5 मिनट रुकी थी, सॉरी 5 मिनट बारिश रुकी थी। अब जैसे इन लोगों के जा रहे हैं लाइब्रेरी जा रहे हैं, एक ऑफिस जा रहे हैं, वैसी बारिश तेज। टाइम कल आना आधे टाइम, तो ये पूरा खेत भर गया इधर पानी से। बाय, चलो अंदर, अब स्कूल नहीं गया, इन्होंने कसम खा रखी कि आज नहीं, ये दिमाग ख़राब करेंगे। जी भाई ऑफिस वाले चले गए, हमने भी चेंज कर लिया, अब थोड़ी देर कर लेते आराम क्योंकि 5 बजे की उठ रखी और अभी है ना आँखों में, मतलब ऐसा लग रहा कि सो जाना था, लेकिन अभी कर लेते थोड़ी देर आराम। इन सबको तो ब्रेकफास्ट करवा दिया, अपने लिए भी कुछ बनाते चाय क्योंकि मैंने पानी के अलावा सुबह से कुछ भी नहीं खाया, टाइम काफ़ी हो गया। तो चलो एडिशन टाइम माई का, क्योंकि माई का पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पीछे की तरफ कुछ बन रहा माई का, इधर बन रहा कुछ, क्योंकि माही ने ना ज़्यादा आम खा लिए, तो पहले थोड़ा सा पिंपल टाइप का ना थोड़ा बड़ा दर्द हो रहा कि आज स्कूल नहीं गई आज, तो मैं डॉक्टर से दवाई भी लेके आ गई, आधा आधा खानी है दोनों। धुलने की छुट्टी, दोनों बोरे एक में धुल रहा है एक दिन, और दिन क्यों नहीं बोलते छोड़ दे मैं हम धुलते हैं है? एक बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैं धुलता हूँ छोड़ो ये, वो बोल रहे नहीं नहीं मैं ही धुलता हूँ, और जिस दिन मैं धुलती हूँ उस दिन कोई नहीं बोलता भाई साहब, कोई भी नहीं है। मैंने खाना बना दिया, अब इन लोगों ने खुद खाया, बर्तन भी खुद ही धुलेंगे। हम कर रहे हैं आराम क्योंकि क्या होता है ना जिस दिन व्रत होता है भूखे रहते तो बॉडी में आलस सा आ जाता है।
टाइम हो गया 6 और अब देखो अब शाम को आई धूप, पूरे दिन भर बारिश, अब जाके धूप आई तो मैं भी अब खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं छोले। तो ये भिगा रखे थे, इसमें चने, बहुत सारी चीज़ें बनानी है ना आज। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ बनाने की। 6 तो बज चुके हैं, 6 मतलब 6:15 हो गया टाइम, तो फटाफट से कर लेते हैं काम। ये काट के डालना इसमें। 7:30 बज गए और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो खाने में बनेगा आज हलवा बनेगा, छोले बनेंगे, पूरी बनेगी, पिंजरी बनेगी, यानी कि 4 आइटम बनेंगे भूख के लिए और खुद खाने के लिए भी। सामान लेके आ गए, सूजी आ गई हमारा, जीरा आ गया, सिर्फ जीरे का तड़का लगेगा छोलों में, और ये आ गया फ्रेश घी, क्योंकि हम फिर खाया हुआ या फिर घी ऐसा यूज़ नहीं कर सकते ना बिल्कुल, मतलब जो छुआ दो। तो मैंने हस्बैंड से 2 पैकेट मंगा लिए छोटे छोटे घी के, तो इसमें हलवा बनेगा। और आ गया है रिफाइंड ऑयल, तो या तो घी में ही बनेगा, पूरियां बनेंगे रिफाइंड ऑयल में, लेकिन खाना बनेगा आज घी में। ठीक है, सभी अभी बाहर भगा दिया मैंने वॉकिंग करने के लिए, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करें ना बच्चे ना हस्बैंड, और मैं बनाऊँ खाना टाइम से, क्योंकि टाइम से भोग लगाना है फिर टाइम से खाना खाएंगे। तो चलो जल्दी से बनाते, तो अभी एग्जैक्टली हो रहा है 7:30, देखते कितने देर तक हम खाना बनाते हैं 4 आइटम। तो गाइस 8:15 बज गया और 7:30 बजे मैंने स्टार्ट करा था बनाना, तो मेरा भोग बन चुका है। मैंने हलवा, पूरी, छोले और चूरमा सब चीज़ बना दी। जा रही हूँ मैं पूजा करने, भोग लगाने और दिया जलाने। सबसे पहले मेरे घर में बच्चों को दिया जाता है, तो ये बड़ा खुश होता है जब मेरा व्रत रहता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि बोलता है टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, तो ये पूरी, छोले और हलवा खा रहा है, ये चूरमा भी दूंगी। 9 बजने वाले और हम सबका खाना लग गया यहाँ पे, हस्बैंड ने तो शुरू कर दिया, तो मैं भी खा लेती हूँ। मेरा ये लग चुका है इधर, और ये हमने गरम गरम पूरी बनाई कि जिसको खानी है खा लो। कैसा बना? मतलब सिर्फ जीरे का तड़का है इसमें, पता है। चलो शुरू करें। हमने खाना खा लिया है, 9:30 बज गया और आज ना इतना जल्दी खाया हमने खाना। तो व्रत में ना चीज़ें बनाने बड़ी आसान है कि 4-5 आइटम बना लो, लेकिन बहुत मुश्किल जो होते हैं बर्तन हो जाते हैं इतने सारे। तो अभी बर्तन धुल दिए, किचन बिल्कुल साफ कर दी। चल आ जा, दवाई मेडिसिन टाइम, इसको पहले दवाई खिला देती हूँ। किचन बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरी हो गई है किचन। इतने सारे बर्तन और कुछ रख दिए, कुछ थालियाँ, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो अभी पहले ना माही को मेडिसिन दे देती हूँ और उसके बाद फिर जाते हैं सोने, थकान लग रही है। मेरे बीबू को आजकल पता नहीं क्या शौक चढ़ गया भाई, इसने गद्दा खुद लगाया नीचे ज़मीन पे, इसको लेटना बड़ा पसंद आ रहा। मैंने कहा मैं तब तक कमर सीधी कर लेती हूँ, तू बाद में सोना। फिर अपने आप ऊपर बिस्तर में चढ़ा हुआ है, तू और मैं सो ले नीचे आराम से। तुझे इतना अच्छा क्यों लगता है नीचे सोना? ऐसे चुपके ना मुझे नीचे सोना, हर जगह भी नहीं बनती है। हाँ। सामने अभी इनको पता है इसको दवाई खिलाना कितना महाभारत है, बहुत ज्यादा महाभारत है। देखने जरा सबके सब फोन पे लगे पड़े, और मेरी कमर जो टेढ़ी हो गई इन सबके लिए, पूरी खाना बनाते बनाते और बर्तन धुलते धुलते ही इनको कुछ पता ही नहीं है। देखो तो अब मतलब खाने के बाद ऐसा लगता है कि सीधे लटक जाओ बिस्तर पे, लेकिन क्या भाई किचन साफ तो करनी ही है, बर्तन धुलने ही है। ठीक है, तो बस इस ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं हम यहीं पे। गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को जो खास करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक बाय।